आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बनाकर तैयार किया है ऑल इन वन गरम मसाला, जिसका इस्तेमाल आप सभी तरह की सब्जियों में, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे वगैरह, या फिर आप पुलाव वगैरह बना रहे हैं तो सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाने वाले हैं घर में ही बहुत ही बढ़िया गरम मसाला, जिसका इस्तेमाल आप घर में सभी सब्जियों में कर सकते हैं और उनका स्वाद बढ़ाकर दोगुना कर सकते हैं। एक बार इस मसाले को आप बनाकर तैयार कर लें और महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में बनाया है तो इसलिए हमें मालूम है कि हमने इसे पूरी तरह अच्छे से बनाकर तैयार किया है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर सारे ही मसाले तैयार कर लिए हैं और वीडियो को आप पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है जावित्री, जिसे हम मेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे हम गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसके बाद लिए हैं एक चम्मच खसखस दाना, जिसे हम पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमने लिए हैं स्टार स्पाइसेस, जिसे हम चक्रफूल भी बोलते हैं, तो इसका भी हम इस्तेमाल गरम मसाले में करेंगे। ये भी हमने एक चम्मच लिया है। यहाँ पर हमने दो चम्मच लिए हैं शाही जीरा, जिसे कर्ब सीड्स भी बोलते हैं। इसके बाद लिए हैं हमने तीन चम्मच जीरा, जिसे हम क्यूमिन सीड्स बोलते हैं। इसके बाद लिए हैं स्टोन फ्लावर, जिसे हम पत्थर के फूल भी बोलते हैं क्योंकि ये पत्थर से मिलते हैं, और इसे दगर फूल भी बोलते हैं। तो ये लिए हमने तीन चम्मच। इसके बाद लिए हैं हमने ब्लैक पेपर, काली मिर्ची जो हमने दो चम्मच ली हैं। इसके बाद हमने लिया है रतनजोत दो चम्मच, जिसका इस्तेमाल हम सब्जी में कलर के लिए करते हैं। ये इस तरह की पत्तियां होती हैं, इसे हम सब्जी के कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद लिए हमने यहाँ पर एक नटमेग यानी कि जायफल, और चार बड़ी इलायची ली हैं, जिन्हें हम डोरा इलायची भी बोलते हैं, और 10 से 15 ली हैं लौंग। इसके बाद लिए हैं हमने यहाँ पर तेजपत्ता, जिसे वेलिव भी बोलते हैं। इसके बाद ली है हमने दालचीनी, जिसे सिनेमन स्टिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारे ही मसाले तैयार कर लिए हैं, ले लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर ली हैं 4 से 5 छोटी इलायची, जिसे कार्डियमोम भी बोलते हैं। तो ये सारे ही हम स्पाइसेस को थोड़ी देर या तो धूप में रख लें या फिर कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो इनमें थोड़ा सा जो मॉइस्चराइजर होगा वो हट जाएगा और ये ख़राब नहीं होंगे। तो सारे ही हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए हम चला लेंगे, तो एक साथ ही हम इन्हें गर्म करेंगे। सर्दियों में सब्जियों में गरम मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से आप बना कर रख लें और इसका इस्तेमाल करें। एक तो आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा, साथ ही साथ आपके लिए ये सेहतमंद भी रहेगा, क्योंकि सर्दी जुकाम से भी बचाता है। तो थोड़ा सा हम इस्तेमाल ज़्यादा ही करेंगे गरम मसाले का सब्जियों में। और यदि एक बार आप बना कर और सब्जियाँ बनाएं, यदि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है तो थोड़ा सा आप इसे कम इस्तेमाल करें। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे, इसे हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, बस 2 से 5 मिनट ही हम चलाएंगे और इसके बाद मिक्सर जार में डालकर इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे थोड़ी देर और चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई यहाँ पर गर्म है। तो इस तरह से हम घर में ही बनाकर तैयार कर लेंगे, जो ज़्यादा टेस्टी रहेगा और ज़्यादा मात्रा में भी बन जाता है। यही मसाला हम मार्केट से खरीदेंगे तो कम आएगा, और हम यदि घर में बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है। तो इसे हम इस तरह से चेक कर लेंगे, तो जीरा वगैरह है वो थोड़े से इस तरह से टूटने लगे हैं, समझ लीजिए ये बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट पर निकालेंगे और मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे, तो थोड़ी देर हम इसे ठंडा भी कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो बड़ी इलायची थी उसे अलग से
तोड़ लिया है, क्योंकि मिक्सर में डालते टाइम यदि नहीं पिसती तो इस तरह से हम अलग से तोड़ लेंगे। और जो नटमेड है जायफल, उसे भी हम अलग से तोड़ लेंगे, नहीं तो वो मिक्सर में जाने के बाद मिक्सर को ही खराब कर देगा, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो जो भी इस तरह की बड़े बड़े स्पाइसेस हैं उन्हें हम तोड़कर थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसके बाद मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे, हमें डायरेक्टली मिक्सर में नहीं पीसना है। तो ये भी ठंडे हो गए हैं और हमने यहाँ पर जायफल को भी तोड़ लिया था। तो हमने एक ही जायफल इस्तेमाल किया है क्योंकि मसाला हम कम बना रहे हैं, यदि आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा डालें, इतने मसाले के लिए हम एक ही डालेंगे। इसके बाद मिक्सर जार में सारे ही मसालों को डाल देंगे और पीस कर तैयार करेंगे। जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं वो ऑल इन वन है, इसका इस्तेमाल आप सब्जियों के साथ साथ सूप में, मैगी में, सब में कर सकते हैं। जो जायफल था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे तोड़कर और पीस लेंगे। तो हम मिक्सर को एक बार चलाएंगे, फिर ऑन ऑफ करते हुए पीसेंगे और इस तरह का पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया हमारा गरम मसाला बनके तैयार हो गया है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है और खुशबू तो सारे घर में आ रही है। तो इस तरह से हम घर में ही गरम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। और जो मार्केट का गरम मसाला रहता है उसे हम सब्जी में ही इस्तेमाल कर पाते हैं, पर इसका इस्तेमाल आप मैगी, चाउमीन, सूप, पुलाव, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसका इस्तेमाल आप हर रोज की सब्जी में या जो भी आप बनाना चाहते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे आप एक कांच के कंटेनर में भर कर रख लें और डेली की जगह इसे आप एक बार बना कर रख लेंगे तो महीनों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बना कर तैयार कर लिया है और आपको हम पास से दिखाते हैं कि कलर भी बहुत बढ़िया आया है। वैसे तो ये 4-5 महीने खराब नहीं होता। तो इस तरह का हम जार लेंगे और इसे हमने धुलकर धूप में अच्छे से सुखा लिया है। इसके बाद हम इसमें जो मसाला तैयार किया है उसे भरकर रख लेंगे। और यदि आप और भी ज़्यादा टाइम के लिए बना रहे हैं तो 1 से 2 बार इसे धूप लगाकर रख लें। तो इस तरह से हमने इसे बनाकर रख लिया है और इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।